आप क्या समझते हैं वाई वी हैव डिफिकल्ट टाइम्स नाउ? यस, आप सब इंटेलेक्चुअल्स हैं, बताएं। हाँ जी, टू मैनी यस, एंड कॉम्पिटिशन, यस। एक माइक दे देते हैं आपको, सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो हियर। या देखा, किसी को भी चाहिए था, प्लीज। हाँ जी, एनी वन कैन स्पीक, यस। We have got many work and we do many things at a time. At a time, right. Anything? Competition, competitive world. Or anything else? Lot of stress. Yes. It is a multitask, right. Anji? यस, सो ये जो डिफिकल्ट टाइम्स क्यों हैं एंड वाई वी वॉन्ट पीस एंड वॉट इज पीस, राइट? तो आई विल बी डिस्कसिंग विद यू वॉट आर द डिफिकल्ट टाइम्स एंड वॉट इज पीस एंड हाउ टू हैव इट इन डिफिकल्ट टाइम्स, राइट? सो आर यू रेडी फॉर दिस टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो और ओनली हियर? यू वॉन्ट टू ओनली हियर और रियली वॉन्ट टू फॉलो? ओके, फाइन। देखिए, सभी डिफिकल्ट टाइम्स क्यों हैं, वाई? आपने सबने ठीक कहा। सबसे पहली बात क्या है, आज का इंसान डिजायर्स बहुत बढ़ गई हैं, इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं, और आज की लाइफ जो है फास्ट पेस हो गई है, मॉडर्न लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, और हर आदमी प्रेशर में है। सबसे बड़ी बात जो आज देखने में आती है, हर आदमी प्रेशर में है, चाहे टाइम का प्रेशर है, चाहे काम का प्रेशर है, चाहे अपनी अपनी हैबिट्स का प्रेशर है, परफेक्शन का प्रेशर है। हर आदमी समझता है मैं ज़्यादा समझदार हूँ बिकॉज ऑफ ईगो, नहीं ऐसा? हर आदमी समझता है जो मैं कहता हूँ वही ठीक है, इसी तरह से होना चाहिए। तो ये जो, और इसके कारण एंजाइटी बहुत बढ़ती जा रही है, एंगर बहुत बढ़ता जा रहा है, संबंधों में खराबी उसके कारण बहुत ज़्यादा आती जा रही है, और इच्छाएं बहुत बढ़ने से, इच्छाएं सब तो पूरी नहीं हो सकती, हो सकती हैं इच्छाएं पूरी? हो सकती हैं इच्छाएं पूरी? नहीं होती तो डिप्रेशन हो जाता है, उदासी आती है। हम एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी रखते हैं अपने परिवार में, अपने ऑफिस में, जहां भी हम काम करते हैं, वी हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स। हम सोचते हैं हमने इनके लिए इतना किया, घर वालों के लिए इतना किया, पति के लिए इतना किया, पत्नी के लिए इतना किया, बच्चों के लिए इतना किया, है ना, इनको कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए हमारा, इतना तो केयर करनी चाहिए, नहीं? ऐसा होता नहीं होता? ऐसे ही आप अपने ऑफिस में भी क्या समझते हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं या आपके बॉस हैं, आप बहुत दिल से काम करते हैं, बहुत ध्यान से काम करते हैं, और फिर भी आपको डांट पड़ जाती है, स्कोल्डिंग मिल जाती है, या आप बहुत अच्छे से काम करें उसके बाद भी आपको अप्रिशिएट करने के बजाय आपको डिफेम करते हैं, राइट? आपको उसके बाद भी मीमो मिल जाती है ना, तो फिर क्या होता है? तो इस तरह से जो आज के समाज में, और सबसे बड़ी बात, एक बात और है कि हम जो स्ट्रेस में तो सभी हैं, स्ट्रेस और टेंशन सबके अंदर है, कि सबसे बड़ी जो बात आ रही है कि आज हम लोग अपने स्ट्रेस को वेंटिलेट नहीं कर पा रहे, किसी के पास टाइम नहीं है वेंटिलेशन का, मतलब किसी को सुनाए, अगर पति पत्नी को सुनाना चाहे तो क्या होता है, पत्नी क्या कहती है, तो मैं बहुत सालों से समझाया तुम्हारी जो बातें बेकार होती है, मेरे पर टाइम नहीं है इनके लिए ना। अगर पत्नी सुनना चाहे पति को तो पति क्या कहता है, मेरे को टाइम नहीं है फालतू बातें सुनने का, मेरे को बहुत काम है, आई एम वेरी बिजी। टीवी के सामने बैठ जाते हैं घंटों, किंतु आपस में डिस्कशन करना, आपस में एक दूसरे की बात शेयर करना, वो नहीं हो पाती, राइट? और फिर आज इंटरनेट जो आ गया, इंटरनेट क्या है, वट इज इंटरनेट? इंटरनेट मोबाइल जो आ गए, क्या हो गया, इंटरनेट जो है एडिशन हो गया, पर ये आपस में डिस्कनेक्शन हो गया है ना, आपस में कनेक्शन नहीं हुआ है, क्या हो गया, फैमिली मेंबर से डिस्कनेक्शन हो गया, जो हमारे सामने नहीं उनसे हम व्हाट्सएप करते हैं, उनसे हम चैटिंग करते हैं, और जो हमारे सामने उनसे हम चैटिंग नहीं करते हैं, नहीं?
उनको हम व्हाट्सएप नहीं करते, उनको अच्छे अच्छे मैसेज नहीं भेजते, भेजते हैं क्या? उनको तो गुस्सा करते हैं, इरिटेट करते हैं, उनके कंप्लेंस करते हैं उनकी ना? नहीं, जिनको हम जानते भी नहीं उनको हम मैसेज भेजते हैं, नहीं ऐसा? उनको फूल भेजते हैं ना व्हाट्सएप पे, है ना? नहीं तो या बर्थडे बर्थडे विश करते हैं, उनको केक भेजते हैं व्हाट्सएप पे, हाँ जी, गुड मॉर्निंग से शुरू होता है। और अपने ही घर में अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को बर्थडे विश करना भूल जाते हैं, नहीं, अपने पति को बर्थडे विश करना भूल जाते हैं, अपने पेरेंट्स को बर्थडे विश करना भूल जाते हैं, अपने भाई बहनों को बर्थडे विश करना भूल जाते हैं, नहीं ऐसा? ठीक बात है, गलत बात है? मैं आजकल क्या है कि यूएस कैलिफोर्निया में एक सेंटर खुला है जिसमें इंटरनेट का एडिक्शन को छोड़ने के लिए लोग वहाँ जाते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं, उसकी फीस 6 लाख रुपया है, दो हफ्ते वहाँ रहते हैं और वो 6 लाख रुपये लेते हैं उसके, और वहाँ मोबाइल फ्री वातावरण है, वो मोबाइल अलाउड नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ लोगों को मतलब बच्चों को जो लड़के यंग लड़के लड़कियाँ होते हैं जो एडिक्ट होते हैं मोबाइल्स के इंटरनेट के, उनको वहाँ रखा जाता है इम्प्रूवमेंट के लिए, 6 लाख रुपया उसकी फीस है 15 दिन के प्रोग्राम की। तो कितनी हमने समस्याएं अपने लिए पैदा कर ली है ना। और आज जितनी भी बीमारियां हो रही हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ओबेसिटी, ओवरवेट, है ना, आपको पता है कि डिफ़िकल्ट टाइम्स की जब हम बात कर रहे हैं तो आज अगर हम अभी पीछे सर्वे हुआ था 4 सिटीज़ का, बड़ी सिटीज़ है, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई, 4 हमारी जो मेजर सिटीज़ हैं, सर्वे किया गया, 100 लोगों का सर्वे किया गया और उनका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, शुगर लेवल्स और सब चेक, वेट वगैरह सब चेक किया गया और भी उनकी हिस्ट्री ली गई, तो देखने में आया 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं, फिजिकल बॉडी की बीमारियां नहीं, मतलब लगभग 30% लोगों को तो हाई ब्लड प्रेशर है, हर तीसरे आदमी को हाई ब्लड प्रेशर है, 10% लोगों को, 14% लोगों को हार्ट की बीमारी है, 40% या तो ओवरवेट हैं या तो ओबीज हैं, मोटे हैं, और लगभग 10% लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, 10% लोग सांस की तकलीफ़ों से पीड़ित हैं, 5% लोगों को कैंसर है, 25% लोगों को हमें वो जो एसिडिटी होती है ना, एसिड रिफ्लेक्स करता है वो बीमारी है, 20% लोगों को हड्डियों की बीमारी है, हड्डियाँ मतलब नी जॉइंट खराब है या हिप जॉइंट या बैक में या नेक में प्रॉब्लम है, ऑस्टियोपोरोसिस, और हमारी बहनों को जो 50 साल से ऊपर होंगे तो 50% लोग बहनों को, माताओं को हड्डियाँ खराब है, ऑस्टियोपोरोसिस, आंखों की नाक कान गले की प्रॉब्लम देखिए 10% लोगों को है, हार्मोनल प्रॉब्लम 5%, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है 5% लोगों को, अगर ये सब मिला के देखें तो 100 लोगों को 200 प्रॉब्लम्स हैं, 200 बीमारियां हैं। तो आप भी अपने अंदर चेक कर लो, किसी के पास ना हो तो मुझे बता देना, है ना, आप सबको दो दो प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं है, हैं, स्किन प्रॉब्लम 10% लोगों को स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, हेडेक 10% लोगों को हेडेक होता है, 10% लोगों को ना कोई इन्फेक्शन होता है, सबको मिली दो दो, किसी को खाली तो नहीं रह गया, हाथ उठा जिसके पास कुछ भी ना हो, खाली रह गया हो, नहीं उठाओ, शर्माओ नहीं, शर्मा, 1 2 3 आप मोटे तो हैं थोड़े से, तो पीछे मोटापा भी तो बीमारी है ना, बहुत सारी बीमारी की जड़ है ना, तो मतलब चलो एवरेज एक दो हो सकते हैं जिसको कम हो या ना पता हो। कई बार क्या होता है समाज में, अभी पीछे क्या हुआ था दिल्ली में, 15 10वीं 11वीं 12वीं, है ना, 3 साल जो क्लासेस में पढ़ते थे उनमें बच्चों का बीपी चेक किया गया, हमें अंदाजा था शायद 2-3% बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर निकलेगा, एंड टू अवर सरप्राइज 14% बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर था, 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को। तो आप भी अगर अपना बीपी चेक कराएंगे तो आपका बीपी हाई निकलाएगा, शुगर लेवल चेक पता नहीं है आपको, शुगर लेवल चेक कराओ फास्टिंग और बीपी, 3 महीने का शुगर टेस्ट कर तो हाई निकलाएगा, ठीक, क्या ख्याल है? पता नहीं ना अंदर क्या क्या बीमारी है, पता है क्या आपको? अंदर चेकअप कराएं तो पता लगेगा ना। तो ये जो है आज की हालत है, तो बॉडी की बीमारी, तो देखो बॉडी किसी की भी हेल्दी नहीं है, अमीर हो चाहे गरीब हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, और डॉक्टर्स जो दुनिया को ट्रीट करते हैं उनको उससे भी ज़्यादा बीमारियाँ हैं आम जनरल पॉपुलेशन से, मतलब पब्लिक में हाइपरटेंशन 30% 27-28 30% लोगों को है, डॉक्टर्स को 35% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है,
डायबिटीज़ भी ज़्यादा है उनको, उनको और उनको हार्ट की बीमारी भी ज़्यादा होती है, एसिडिटी भी ज़्यादा होती है, मतलब लगभग हर बीमारी ज़्यादा होती है। तो ये तो शरीर का हाल है, डिफिकल्ट टाइम्स हैं कि नहीं। और फिर मन की बीमारी, छह बीमारी सबको फ्री मिली है, मन की छह बीमारियां सबको फ्री हैं, मिली है कि नहीं मिली है? ये भाई साहब आपके साथ तो सबको फ्री है। कौन कौन सी? 20% लोगों को डिप्रेशन है, उसमें 10% लोग मेडिसिन्स पे हैं, 10% लोग नींद की दवाई खाते हैं। हर एक आदमी को चिंता है, आप में से कितने लोग हैं जिनको चिंता बिल्कुल नहीं होती? हाथ उठाओ। नो एंजाइटी, एक, वेरी गुड। चलो, चिंता सबको। अच्छा, जिसको गुस्सा नहीं आता वो हाथ उठाओ, जिनको कभी गुस्सा नहीं आता, जिन्होंने आज तक कभी गुस्सा नहीं किया वो हाथ उठाओ, कभी नहीं किया आज तक। पूछना पड़ेगा आपकी पत्नी से या पति से, कन्फर्म तो करना, क्योंकि मेरे पास जब हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं, मेरे पास हार्ट के पेशेंट्स आते हैं, तो मैं पूछता हूँ उनसे, आप कभी गुस्सा करते हैं क्या? कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो जरा भी गुस्सा नहीं, बहुत शांत स्वभाव का, साथ में पत्नी बैठी होती। कहते डॉक्टर साहब ये बात करते नहीं करते तो सारा टाइम इनके नाक पे गुस्सा रहता है, मैं गुस्सा करने वाले को पता नहीं होता मैं गुस्सा करता हूँ। तो चिंता गुस्सा सबके पास है ना, नहीं? और ईगो सबके पास है, कोई ऐसा है जो ईगो लेस हो? हाथ उठाए जो ईगो लेस, एकदम ईगो लेस। ईगो सबसे बड़ी बीमारी है, नहीं है कि नहीं? ग्रीड बड़ी बीमारी है। टाइप ए बिहेवियर मैंने जो बताया, टाइप ए बिहेवियर मीन्स फीलिंग प्रेशर, आए प्रेशर ऑफ टाइम, प्रेशर ऑफ वर्क एंड प्रेशर ऑफ परफेक्शन, एक समय बहुत सारे काम करने की कोशिश करना, ये टाइप ए बिहेवियर कहलाता है। ऐसे लोगों को ज़्यादा 3 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, ऐसे लोगों को ज़्यादा होती है, एसिडिटी ज़्यादा होती है। और लोग सिनिकल हो गए हैं, सिनिकल मतलब अपने दोष नज़र नहीं आते, दूसरों के दोष देखते रहते हैं, हॉस्टिलिटी, रिवेंजफुल बिहेवियर है। ग्रीड, अगर पैसे का ग्रीड नहीं हो किंतु नाम मान शान का ग्रीड सबको है, नहीं? पैसा किसी के पास बहुत हो सकता है किंतु उसके बाद भी नाम मान शान की इच्छा सभी के अंदर है, इसका ग्रीड बहुत बड़ा है ना। अटैचमेंट सबको है, अटैचमेंट भी बहुत बड़ी बीमारी होती है ना। तो आज समाज में देखो तो, सोशल हेल्थ देखो तो, वो भी हालत ख़राब है। कितना कंपटीशन, कितनी मतलब कंपैरिजन कितना बढ़ गया, कितनी नफरत बढ़ गई आपस में, भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में, है ना? क्या हो गया है? पति पत्नी क्या करते हैं वहाँ भी, क्या करते हैं? देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक अगर भगोना है, एक भगोना समझते हैं ना, दूध का बर्तन है, उसमें 2 लीटर दूध है, उसमें एक मक्खी गिर जाए तो क्या नज़र आता है? दूध नज़र आता है, मक्खी नज़र आती है। ऐसे आपके जीवन 30 साल आप इकट्ठे रह रहे हैं, 20 साल से इकट्ठे रहे, शादी हुए 20-21 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, और आपने जो 1-2 बार 3-4 बार जो नेगेटिव बात की है ना, नेगेटिव बिहेवियर किया है आपने, पत्नी ने या पति ने या आपकी सास ने या किसी और ने, ननद ने या किसी ने भी, तो वो मक्खी दिखाई देती रहती जीवन में, सुख दिखाई नहीं देता, दूध दिखाई नहीं देता है। 20 साल के बाद, 30 साल के बाद क्या बोलते रहते? तुमने मेरे को 20 साल पहले ऐसे बोला था, तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, अरे उसके बाद कितना अच्छा किया वो याद नहीं है क्या? हमेशा एक बुरी बात भी हमें याद रहती है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? अच्छी बात क्यों नहीं याद रहती है? ईगो ज्यादा है, अच्छी बातें ज्यादा होती हैं, बुरी बातें कम होती हैं, इसलिए ज्यादा हमें बुरी बात नजर आती है। जैसे बताया दूध में 2 लीटर दूध है, सिर्फ एक मक्खी है ना, तो 2 लीटर दूध दिखाई दिया क्या आपको? मक्खी दिखाई देती, इसलिए एक बार किसी से मिसबिहेवियर हम करते हैं, थोड़ा सा भी अपने बच्चों से, अपने बच्चों से हम उसकी बात नहीं सुनते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं या थोड़ा सा उनको निग्लेक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं बच्चे? आप कितना मर्जी पैसा खर्च करो उनकी पढ़ाई पे, कितने मर्जी उनको साधन दो, कार भी खरीद के ले दो, मोबाइल भी 50,000 का ले दो उसको, तो ये बच्चे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनुभव है सभी को? हाँ जी, हाँ जी, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, है ना? आप क्या समझते हैं पैसे दे के अब ड्यूटी पूरी हो गई? तो आज का समय ऐसा समय हो गया है ना,
तो क्या करें अब, कहाँ जाएं? अगर अच्छा चलो ये तो हुई डिफिकल्ट टाइम्स की बात हमने की, अभी हम पीस की बात कर लेते हैं, ठीक है? आगे फिर करते कैसे पीस कैसे आई बाद में उसके बारे में बात करेंगे। तो पीस क्या चीज़ है, शांति क्या चीज़ है, बताएंगे कोई शांति क्या चीज़ है? एनीवन? शांति किसे कहते हैं? मन में कोई विचार ना हो तो शांति, ये तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है मन में कोई विचार ना हो, वो तो फिर आप शरीर छोड़ने के बाद ही ऐसा हो सकता है, हैं जी? पॉजिटिव, मन को कंट्रोल करें, आत्मा में शांति आ जाए। ये शांति क्या चीज़ है, व्हाट इज पीस? डिजायर बिल्कुल ना हो, एकदम से, हाँ यस, एकदम सेटिस्फेक्शन। और क्या करें? नो टसल ऑफ थॉट्स इन योर माइंड। आई थिंक सभी ठीक कह रहे हैं कि, तो फिर भी पीस क्या चीज़ है? एक्सेप्टेंस, वेरी गुड। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आज अगर किसी भी व्यक्ति को आप लें, आप में से कोई व्यक्ति को हम ले लेते हैं, किसी भी भाई बहन को ले सकते हैं, और आज अगर कोई भी अपना चेक करे तो 90% से 95% थॉट्स या तो हमारे पास्ट की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट से आ रहे हैं, पास्ट की, भूतकाल की साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल हर्ट्स, या तो हमारे मन को या तो हमारी भावनाओं को चोट जो पहुंची ना, वो उससे हमारे विचार आ रहे हैं, या भविष्य की इनसिक्योरिटी से आ रहे हैं। सिर्फ 5 से 8% विचार ही कॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं, प्रेजेंट से आ रहे हैं। आज एवरेज नंबर ऑफ थॉट्स जो है आज इंसान के अंदर 15 से 45 है एक मिनट में, यूजली 15, किसको 20, किसको 25, किसको 30, किस हमारे इसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, 15 होते हैं, कभी 20 हो जाते हैं, कभी 25 हो जाते हैं, कभी 30 हो जाते हैं, कभी 35 हो जाते हैं, कभी 40 हो जाते हैं। तो आज थॉट्स की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और कोई दवाई दुनिया में है क्या जिससे आपकी पास्ट साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट हील हो जाए या फ्यूचर इनसिक्योरिटीज हील हो जाए? यस, कोई ऐसा प्रोसेस है दुनिया में? ऐसी गोली हम खा लें कि एक बार गुस्सा आना ही बंद हो जाए, या ऐसा कुछ किसी ने हमें कुछ गलत व्यवहार किया उसका वो हमें बात ही आनी बंद, याद ही ना आए वापस, किसी को देख के हमें कुछ ऐसा फील होता है उल्टा सीधा वो हमें फील ही ना हो? अभी मेडिटेशन और कोई क्रिया से हो सकता है ऐसा? राजयोग से हो सकता है, ठीक बात है। और कुछ ऐसा हो, और कोई चीज ऐसी है? प्राणायाम से हो सकता है, प्राणायाम से हो सकता है, वैसे पूछ रहा हूं। प्राणायाम करो आप 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम करो, तो क्या प्राणायाम करने से आपका ये जो पास्ट की बातें भूल जाएंगे, आप साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, स्टडीज हुई हैं इसके ऊपर। इंद्र को वश कैसे करेंगे? देखिए दुनिया की कोई भी क्रिया, चाहे प्राणायाम, डिफरेंट तरह के आसन, सवासन, डिफरेंट तरह के आसन, कितनी भी क्रियाएं कर लो आप, कुछ भी कर लो, कोई भी चीज़ इसको हील नहीं कर सकती है पास्ट की साइकोलॉजिकल इमोशन हर्ट्स को। और यही पीसलेसनेस है। अगर 30 विचार आ रहे हैं तो 5 विचार आपके कॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं और 25 विचार सब कॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और इस कारण आप परेशान हैं क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है, इसलिए आपको एंजाइटी है, आप इरिटेटेड हैं अंदर से, चिड़चिड़ा हो गया, चिड़चिड़ापन आ गया, इरिटेट हो गए, क्योटिक फील कर रहे हैं अंदर से, क्योंकि आप जो सोचना चाहते हैं वो सोच नहीं पा रहे हैं, जो करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं कर कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं। यही पीस है, यही पीसलेसनेस है, यही अशांति है। और जो मेडिटेशन वर्ड है, जो आप लोगों ने कुछ कहा मेडिटेशन वर्ड, जो कहा ये राजयोग मेडिटेशन का, मेडिटेशन वर्ड क्या है, कहाँ से आया है? मेडिटेशन वर्ड आया है मेडिटेशियो से, एक लैटिन वर्ड है मेडिटेशियो, और मेडिटेशियो शब्द का मतलब है टू फोकस ऑन द ट्रूथ, टू कंसंट्रेट ऑन द ट्रूथ, सत्य को, सत्य पे फोकस करो, और टू रियलाइज द ट्रूथ। व्हाट इज मेडिटेशन?
मेडिटेशन ऐसा नहीं ऐसा करके बैठ जाओ और बस ऐसे ध्यान लगा के बैठ जाओ और बस हो गया. दैट इज नॉट मेडिटेशन, दैट इज नॉट ध्यान. मेडिटेशन इज रियलाइजिंग द ट्रूथ, राइट? एंड व्हाट इज ट्रूथ? ट्रूथ क्या है बताएं आप में से कुछ लोग. सत्य क्या है? व्हाट इज सत्य? व्हाट इज ट्रूथ? सत्य की दो क्वालिटीज होती हैं. एक तो सत्य एटर्नल होता है, इट डज नॉट डाई, राइट? इट इज यूनिवर्सल, इट इज इसे हिंदी में कहें तो अविनाशी है, नॉट डिस्ट्रक्टिबल है, एटर्नल है. दूसरा है सत्य कभी बदलता नहीं है, ठीक है? अब आप उसके हिसाब से लगाओ आप क्या हैं. आप में ऐसा क्या है जो सत्य है, ट्रूथ है, जो कभी मरता नहीं है और जो कभी बदलता नहीं है? आपकी देह जो है, शरीर है, शरीर एटर्नल है क्या? ये तो पैदा हुआ था, आप इसमें आए थे और अभी जब जाएंगे छोड़ के तो बॉडी ही रह जाएगी, खत्म हो जाएगा, है ना? इससे पहले भी क्या था और इसके बाद भी क्या है? आत्मा इसके पहले भी थी, मैं आत्मा इसके पहले भी थी, शरीर में आई थी पांचवें महीने में गर्भ में, और जिस दिन छोड़ के जाऊंगी तो मैं आत्मा छोड़ के चली जाऊंगी और क्या हो जाएगा, दूसरा शरीर मुझे मिल जाएगा, गर्भ में चली जाऊंगी, ठीक है ना? तो ये आत्मा एटर्नल है, शरीर एटर्नल नहीं है. आप जो किसी भी मतलब शिपिंग में या एयर में या कहीं भी किसी एयरलाइंस में या कहीं भी कुछ आप पोस्ट पे हैं, एग्जीक्यूटिव हैं या मैनेजर हैं या जो भी, वॉट एवर इज अ पोस्ट, आई डू नॉट नो, क्या वो एटर्नल है? क्या वो सत्य है? यस, इज दैट ट्रूथ? आप जो जिसके बारे में आपका सारा दिन विचार चलते रहते, जिस प्रोफेशन के बारे में, क्या आपके सारे विचार ठीक चल रहे हैं उसके बारे में? सत्य है, दैट इज ट्रूथ. क्या वो चेंज नहीं होता है? तो हम कहां हमारा ध्यान जा रहा है, हमें कैसे विचार चल रहे हैं? तो सत्य जो ट्रूथ है, इस ट्रूथ को रियलाइज करना मेडिटेशन कहते हैं. और कुछ लोग कहते हैं कि मेडिटेशन शब्द मेडरी से आया है, MEDERI, मेडरी. मेडरी मीन्स टू हील, सो बेसिकली मेडिटेशन मीन्स हीलिंग. तो क्या हील करता है वो? मेडिटेशन हील्स पास्ट साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स एंड फ्यूचर इनसिक्योरिटीज. मेडिटेशन के द्वारा आप पास्ट की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स को हील कर सकते हो और भविष्य की इनसिक्योरिटीज को हील कर सकते हो. थोड़ी देर में हम जानेंगे कैसे हम हील कर सकते हैं. तो ये जो फिर हमारा क्या होगा, पास्ट के विचार आने बंद हो जाएंगे. किसने हमें कुछ गलत कर दिया, कुछ गलत बिहेव किया, हमसे मिसबिहेव किया, हमारा पैसा ले लिया, हमें धोखा दे दिया, चीट कर लिया, हमें बदनाम कर दिया, है ना, जो भी कर दिया. मेडिटेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा आप हील कर सकते हो, वो पास्ट के थॉट्स आने बंद हो जाएंगे और भविष्य की इनसिक्योरिटीज बंद हो जाएंगी. तो आप कहाँ पर आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? प्रेजेंट में. तो बेसिकली मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज अ आर्ट ऑफ स्टेइंग इन द प्रेजेंट. और पास्ट के जो विचार होते कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं? और भविष्य के विचार कैसे होते हैं? पता नहीं क्या होगा, पता नहीं, पता नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, नहीं. तो भविष्य कैसे होते हैं पास्ट के? नेगेटिव ही याद, मैंने मक्खी याद आएगी, ठीक है, दूध में मक्खी है ना, दूध दिखाई नहीं देगा, है ना. तो पास्ट की सारी नेगेटिव ही आपको याद आती रहती हैं. तो वो पास्ट की नेगेटिव्स क्या होती हैं? वो पास्ट की नेगेटिव्स हैं, वो नेगेटिव्स हैं, भविष्य की भी नेगेटिव्स हैं. और प्रेजेंट में फिर भी आप पॉजिटिव होते हैं क्योंकि आप सामने फैक्ट्स होते हैं, आप फैक्ट के सामने होते हैं, सत्य के सामने होते हैं. जो आपको काम करना है एट हैंड आपके सामने वो होता है, बाकी में इमेजिनेशंस होते हैं, परसेप्शंस होते हैं. तो ये जो है मेडिटेशन, दूसरे शब्दों का मेडिटेशन इज आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है. अब व्हाट इज पीस, व्हाट इज पीस, शांति क्या है? आप समझिए 30 विचार आ रहे हैं आपको और उसमें से 10% विचार कहां से आ रहे हैं?
या तो पास से आ रहे हैं या भविष्य से आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके वो 27 विचार खत्म हो जाए तो क्या हो गया, कितने विचार बचे? 3 विचार बचे, नहीं कितने बचे? 3 ही विचार बचे ना। तो ये 3 विचार शांति है, ठीक है। 30 विचार अशांति है और 3 विचार शांति। समझ में आई डेफिनेशन, परिभाषा? तो बेस व्हाट इज पीस? पीस माना सत्य संकल्पों में रमण करना, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स में रमण करना, ड्वेलिंग इन पॉजिटिव थॉट्स, ड्वेलिंग इन ट्रूथफुल थॉट्स, दैट इज पीस। नो नेगेटिव, नो वेस्ट, ना कोई नेगेटिव विचार आए ना कोई वेस्ट व्यर्थ विचार आए, वो है पीस। वो स्थिति जब होती है वो आप शांति महसूस करते हैं, और ऐसी पीस आपको हील करती है। किसको हील करती है? आपके मन को, मन को हील करना, मन मन में जो भी नेगेटिव और पास भविष्य का है वो खत्म हो जाता है, और आपकी बॉडी को हील करती है। आपकी जो भी बीमारियां हैं, बीमारी शब्द कहां से आया पता है आपको? डिस ईज, लॉस ऑफ ईज। जीवन में शांति खत्म हो गई, पहले मन में शांति खत्म हुई, फिर बाद में फिजिकल डिसीज आती है। किसी एक अंग में वो ईज खत्म हो गई, शांति खत्म हो गई, फिर बीमारी पैदा होती है, वहां टॉक्सिन इकट्ठे पैदा शुरू होते हैं, राइट। तो मैं आपसे थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूँ कि इसमें और थोड़ा सा आप समझ जाए, फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सॉरी, आपको पता है मुझे आज बुखार है, कल से मुझे बुखार है ना, आई एम हैविंग फीवर है बॉडी को, मुझे नहीं है, बॉडी को बुखार है ना, और कोल्ड है, आप देख रहे हो मेरी नाक भी बंद है ना, फिर भी मैं आपके सामने हूँ, दैट इज पीस, ठीक है। बॉडी से डिटैच होकर जब मैं प्रेजेंट में हूँ और सत्य में स्थित हूँ, है ना, सत्य में स्थित हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो क्या है, पीस है क्या? डिस ईज है क्या? ईज है, ईज है ना, तो तब आप कार्यकारी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। कर सकते? नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि हमारा मन, आत्मा के बारे आपने सबने थोड़ा थोड़ा जाना है ना, चैप्टर हुआ आत्मा का एक आपका, नहीं हो गया? सुबह हुआ आत्मा का चैप्टर, हो गया ना। देखो आत्मा की 3 शक्तियाँ बताई होंगी ना आपको, या इसकी बजाय मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा राइट ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन हमारा, लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल ब्रेन है, कन्वेंशनल। सेब पेड़ से गिरा नीचे गिरेगा ऊपर जाएगा? नीचे गिरेगा ना, ये हमारा लॉजिकल ब्रेन लेफ्ट साइड का है ना, और राइट ब्रेन हमारा क्रिएटिव ब्रेन है, इमोशनल ब्रेन है, भावुक ब्रेन है। तो ये जो आज का इंसान कैसा हो गया है, या तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गया या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। स्पेशली बहनें हमारी, माताएं क्या हो जाती हैं, ज़्यादा इमोशनल, इसे डिप्रेशन में चली जाती हैं ना, और भाई क्या होते, ज़्यादा लॉजिकल बन जाते हैं, इसलिए साइकोसिस में चले जाते हैं ना, स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता ज़्यादा, राइट। तो ये जो है, और परफेक्ट पर्सन कौन है? परफेक्ट पर्सन जिसमें राइट और लेफ्ट का बैलेंस हो, लॉजिक और क्रिएटिविटी का बैलेंस हो, इमोशंस का बैलेंस हो। एंजल, फरिश्ते जो होते हैं वो कैसे होते हैं? उसमें राइट और लेफ्ट का बैलेंस होता है। देवता जो होते हैं वो कैसे होते हैं? राइट और लेफ्ट का बैलेंस होता है, ठीक है, इक्वल होता है दोनों। और आज का इंसान मैंने बताया कैसा हो गया, जैसे आज इसलिए कहते हैं पति पत्नी, जिस घर में पति पत्नी दोनों की आपस में हारमोनी है वो घर सही क्रिएटिव होता है। पति हर बात पत्नी से पूछ के करता है, पति जो सोच नहीं सकता वो पत्नी बता सकती है, और पत्नी जो सोच नहीं सकती वो पति बता सकता है, राइट। अगर दोनों मिलजुल के अगर रहें, इसलिए कहा गया विष्णु का सिर, कहा गया ना विष्णु, सत्यु की निशानी क्या, विष्णु, विष्णु है ना, एक सिर 4 बाजू 2 पैर। आज के जमाने में भी क्या है, आज के जमाने में क्या है, आज के आप पहले क्या था, अभी देखिए वैसे घर में तो रहना होता, घर में क्या रहना होता है, दोनों को एक ही डायरेक्शन में चलना, पति पत्नी को एक ही डायरेक्शन में चलना होता है, तलाक इतना इजी नहीं है वैसे भी, तो इकट्ठे रहना ही होता है, एक ही डायरेक्शन में चलना होता है पति पत्नी को, और
चार बाजू रहती हैं, है ना, ज़्यादा काम कर सकते हैं, पैर चलना भी एक ही डायरेक्शन में दोनों को है ना। तो इसलिए विष्णु माना जिसमें जिस घर में जिस गृहस्थी में प्रवृत्ति में एक विष का अणु भी नहीं है। विष का अणु माना जहर, कौन सा जहर है, काम विकार क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये है जहर जो हमारे जीवन में हमारे घर में हमारे विश्वास में क्या घोल देता है, जहर घोलता है, राइट। और आज के इंसान की क्या निशानी है, रावण, माया रावण, है ना, पांच सिर आदमी के पांच सिर औरत के, है ना। आप रावण का सिर देखना ध्यान से, दस सिर चित्र देखो, पांच औरत के हैं पांच आदमी के हैं, बीच में गधे का सिर दिखाते हैं बीच में ना, और दो बाजू हैं और दो पैर हैं, दस तरह के विचार चलते हैं, पांच पत्नी के तरह विचार चलते हैं, पांच पति के चलते हैं, तो दस विचार एक तरह एक साथ चलते हैं। और अगर हमें कोई छुट्टी मिले पति को और पति कहे मुझे जाना है, चलो हम चलो शिमला चलते हैं, पत्नी कहे शिमला नहीं जाना मुझे, मुझे जाना है ऊटी, है ना। अच्छा बच्चों को पूछो, बच्चे बेटा कहाँ चलोगे, बेटा शिमला चले, नहीं नहीं पापा मेरे को तो वहाँ जाना है नैनीताल जाना है, आप कहाँ जाएंगे, बच्चे नैनीताल जाएंगे, पत्नी ऊटी जाएगी और पति कहाँ जाएगा, शिमला जाएगा, ऐसे कहीं भी नहीं जाएंगे, है ना, नहीं ऐसा होता है जी, क्या कह रहे माउंट आबू तो सारे आ जाए, किंतु वही जब तक समझे ना इस बात को ना, उसमें ठीक है ना। तो ये जो है दस सिर मतलब पांच सिर में ना, पांच सिर कौन से, काम विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पति का काम विकार किसी और पे, क्रोध उस पर किसी और बात का, लोभ उसको किसी और बात का है, मोह उसको किसी और बात का है, अहंकार किसी और बात का है, पत्नी पति को किसी और बात पे काम विकार है। फिल्म देख रहे दोनों बैठ के टीवी पे ना, पत्नी शाहरुख खान की तरफ देख रही है और पत्नी पति किसको देख रहा है, माधुरी दीक्षित को देख रहा है, साथ साथ बैठे हैं, नहीं सच्ची बात है झूठ बात है, उसको किसी और बात पे क्रोध है, उसको किसी और बात पे क्रोध है, उसको मतलब ये विकार भी जैसे नहीं है, विकार भी जैसे नहीं, उसको किसी और बात का लोभ है, उसको किसी और बात का लोभ है। तो दस सिर हुए सोचो ना, अब दस सिर दो बाजू, दस तरह के विचार आएंगे, तुम चाहो ये बना लो, तुम पत्नी पति बैठे बैठे कहेगा तुम ये बना के ले आओ पत्नी को, है ना, फिर वो कहेगा नहीं थोड़ी देर बच्चा को बोला मेरे को ये चाहिए, है ना। अब पत्नी कहाँ से, काम तो दो ही हाथ से होगा ना, नहीं होगा, पत्नी काम भी करती है ऑफिस में भी काम करके, तो भी उसको ही खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि वो पत्नी है लेडी है ना। बहुत कम घर होते हैं जहाँ पर समझदारी से दोनों मिलजुल के काम करते हैं, नहीं ऐसा, क्या समझती हैं हमारी माताएं, क्या समझती हैं बहनें, क्या समझती हैं, ट्रू है कि झूठ है, नहीं? तो ये क्या चल रहा है ना, इसलिए क्या है तब आज के समाज दस तरह के विचार एक सिर में, अगर अंग्रेजी में कहें टेंशन, नहीं टेंशन दस तरह के मतलब बच्चे आपके सिर में चढ़े हों तो क्या होगा, टेंशन होगी नहीं होगी। तो ये दस तरह के विचार एक साथ चलना और चलना एक ही रास्ते पे दोनों को, तो आज की ये प्रवृत्ति आज का गृहस्थी है, ठीक है। तो ये हमारा जो है लेफ्ट राइट ब्रेन है, और इसका कंट्रोल रूम कौन सा है, इसका कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बॉडी की पूरी बॉडी का मास्टर मतलब कंट्रोल करती है, हार्मनी, हमारी बॉडी 80,000 बिलियन सेल्स की बनी हुई है, पूरा इसको कंट्रोल करती है, उसमें ऐसे केमिकल निकलते हैं वो जो सारी बॉडी को हार्मोनाइज करते हैं। और नीचे हमारा लोअर ब्रेन है, ये हमारा हायर ब्रेन है, ये हमारा लोअर ब्रेन है, और जो हमारी पांच सेंसेस हैं कर्मेंद्रीय कहते हैं इसको, पहली नर्व सूंघने की है, दूसरी नर्व देखने की है, तीसरी चौथी और छठी नर्व आँखों को ऊपर नीचे घुमाने की है, पांचवी नर्व जो है वो चेहरे पे सेंसेशंस है ना, जो हमारी कोई हमें चेहरे पे छूता है किस भाव से छूता है, उसके मन में क्या इमोशन है तो हमें पता लग जाता है ना, कोई हमें टच करता है हमें पता लग जाता है, ये पांचवी नर्व है, खाना चबाने का भी पार्ट इसी में है। सातवीं नर्व हमारे चेहरे की है, हर एक्सप्रेशन हमारे मसल्स के कारण होता है, हम मुस्कुराने के मसल्स अलग होती हैं, उदास होने की अलग होती हैं, नफरत करने की अलग होती हैं,
तो हर चीज़ की मसल्स हैं हमारी, आप जैसी आदत डाल लो मुस्कुराते रहो तो क्या होगा, जैसे आप हाथ की एक्सरसाइज करते रहो तो क्या होता है, मसल्स पावरफुल हो जाती है ना, पेट की एक्सरसाइज तो मसल सिक्स पैक बॉडी बन जाती है, जो मसल्स पावरफुल हो जाएंगे ना, अगर आप मुस्कुराते रहो तो क्या होगा, क्या होगा, आपकी मुस्कुराने वाली मसल्स पावरफुल हो जाएंगे, है ना। आप उदास भी होगे तो लगेगा मुस्कुरा ही रहा है ना, और आप उदास ही रहो सारा टाइम तो क्या होगा, हैं, मुस्कुराते भी क्या होगा, लगेगा उदासी है, नहीं, क्या ख्याल है। तो क्या करना चाहिए रोज, कितने देर, आधा घंटा सुबह शाम, कौन मुस्कुरा सकता है मुझे बता, कोई कौन सा कौन चीज कौन मुस्कुरा सकता है, हैं, कौन मुस्कुरा सकता है, सिर्फ इंसान मुस्कुरा सकता है, हाथी मुस्कुरा सकता है, शेर मुस्कुरा सकता है, बंदर मुस्कुरा सकता है, कोई शेर तो जंगल का राजा मुस्कुरा सकता है क्या, सिर्फ इंसान मुस्कुरा सकता है, तो हम क्यों नहीं मुस्कुराते, तो भी क्यों मुंह के बना लेते हैं बात बात पे, है जी, फीलिंग फ्लू की बीमारी है, उसका क्या इलाज है। तो ये जो है हमारी सातवीं नर्व, आठवीं नर्व हमारी दो नर्व सुनने की और बैलेंस की, नौवीं नर्व बोलने की, दसवीं खाना निगलने की, ग्यारहवीं इमरजेंसी ब्रेक है, ये मसल ना ये वाली और पीछे वाली मसल इसके लिए है, ताकि मान लीजिए मुंह में खाना खा रहे हैं और मुंह भरा हुआ है और कोई कहे आप और खाएंगे क्या, तो कैसे बोलेंगे, मुंह से तो नहीं बोल सकते, कैसे बोलेंगे, सिर हिला के बोलेंगे ना, ना और हाँ जो भी कहना है। तो ये इमरजेंसी ब्रेक है, ठीक है, आपको जो इमरजेंसी में काम करने के लिए। और बारहवीं ब्रेक, बारहवीं जो है ये वाली नर्व, ठीक है। और हमारी दो नर्व्स यहाँ से आती हैं, दो ऊपर हाइपोथैलेमस से ही आती है, एक लाल तार एक हरी तार, लाल तार मतलब सिंपेथेटिक सिस्टम और ये पैरासिंपेथेटिक सिस्टम। लाल तार मतलब डेंजरस, सपोज यहाँ से एक सांप आ जाए अभी उधर से निकल के इधर आ जाए तो क्या होगा, सोते सोते लोग भी क्या हो जाएंगे सर, है क्या होगा, क्या होगा बताओ, खतरा की खतरे का सिग्नल होगा ना, तो क्या होगा, एकदम उठ जाएंगे, नहीं उठ जाएंगे और भागने लगेंगे सब के सब, अलर्ट। कुछ भी गलत होता है हमारे साथ, कुछ भी गलत विचार, गलत भावना, गलत वृत्ति, गलत एटीट्यूड, कोई पुरानी बात याद आ जाए, एकदम लाल तार एक्टिव हो जाता है। और ये तार हर एक इसमें गई है, पहली नर्व में भी गई है, सभी नर्व्स में गई है, गर्दन में भी नर्व्स हैं, यहाँ भी नर्व्स हैं, नीचे भी नर्व्स हैं, पूरी बॉडी में कहीं भी कुछ आपको, आप सो जाओ नाक बंद रहती है, खुली रहती है, उसमें मच्छर जा सकता है क्या, नाक में सोते सोते जा सकता है, जा सकता है, नहीं जा सकता है, आप तुरंत नींद से एकदम उठ जाओ, नींद मच्छर अंदर जाएगा और आप तुरंत यहाँ भी टच करेगा तो उठ जाओगे, है ना। कान में जा सकता है कुछ, जाते ही आपको पता लगेगा ना, ये नहीं सोते रह जाओ कान का चक्कर लगा के वो बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये मतलब अलर्टनेस के सिस्टम बना हुआ है, स्ट्रेस का मतलब अलार्म एक तरह का है आपके अंदर, आप किसी भी स्थिति में अलार्म लगेगा। और एक रिलैक्सेशन सिस्टम है जिसको हम कहते हैं पैरासिंपेथेटिक सिस्टम, है ना, वो जब आप सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग ओके, तो उसमें जब लाल तार एक्टिव होती है तो हार्ट रेट बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, लड़ने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं इसको, फीलिंग ऑफ डिसईज होती है ना, और आर्टरी सिकुड़ जाते हैं, खून गाढ़ा हो जाता है, साइड की सप्लाई बंद हो जाती है, कोलेट्रल्स बंद हो जाते हैं, खून जाना कम हो जाता है, है ना। तो ये जो है जब टेंशन है, और जब रिलैक्सेशन है तो हार्ट रेट कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, कोलेट्रल खुल जाएंगे, नसें खुल जाएंगे, खून पतला हो जाएगा, सब जगह पहुंचेगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये हर जगह गया हुआ है सिस्टम ना। अब ये चीज़ें जो हैं, ये जो चीज़ है, ये पावर है, ये इंसान, ये तो डेड बॉडी में भी है सब कुछ ना, और एक इंसान जो है एक पावर है ब्रेन में, उसके कौन सी पावर, एशिया की पावर कहते हैं हम उसको, हायर ब्रेन, इसको हम हायर ब्रेन कहते हैं। ये जानवरों में डेवलप्ड नहीं है, ये सिर्फ इंसानों में डेवलप्ड है, ठीक है। और ये जो है हमारा लोअर ब्रेन है, ये हमारा लोअर ब्रेन, ठीक है, ये जानवरों में डेवलप्ड होता है। और एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए, एशिया में ना हमें हर काम करने से पहले एशिया लगाना चाहिए इंसान को, क्योंकि वो हाईली डेवलप्ड एनिमल कहें या जो भी है प्राणी है,
ए फॉर एनालिसिस है ना, एनालिसिस माना इंसान है जो सिर्फ विश्लेषण करके देख सकता है कोई भी सिचुएशन का, आईक्यू कहते हैं उसे, जमा घटा भाग गुना सब कुछ करके देख सकता है सिचुएशन मेरे लिए कैसी है। फिर एस माना सिंथेसिस, सिंथेसिस माना मेरे लिए, तो मैंने मेरे लिए अच्छा है किंतु मेरे परिवार के लिए कैसा है, जहां मैं काम करता हूं उसके लिए कैसा है, इमोशनल के उसे बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, ईक्यू कहते हैं। और फिर मेरे लिए तो अच्छा है, मेरे परिवार के लिए भी अच्छा है किंतु सारे विश्व के लिए कैसा है, उसे कहते हैं इंटेग्रेशन, इंटेग्रेशन माना एसक्यू, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ठीक है, जैसे मैंने एटम बम बना दिया और एटम बम मेरे लिए अच्छा है क्योंकि पैसे बहुत मिलेंगे, परिवार को भी अच्छा है, जिस कंपनी में काम करता हूं उसका भी बहुत अच्छा है, किंतु सारे विश्व का क्या होगा। तो इस तरह से। और फिर ए फॉर एसिमिलेशन, एसिमिलेशन माना सब कुछ मैंने कर लिया अभी मेरा क्या, उसको बोलते हैं एच क्यू, हैप्पीनेस क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ द डे एम आई हैप्पी। जैसे मैं डॉक्टर, मेरे को मेरा प्रोफेशन डॉक्टर है, मैं डॉक्टर नहीं हूं, डॉक्टर मेरा प्रोफेशन है, 35 साल से प्रोफेशन है ना, लगभग पिछले 25 साल से हार्ट स्पेशलिस्ट हूं, तो दैट इज माई प्रोफेशन राइट। तो अब मैं सारा दिन तो पेशेंट में बिजी रहता हूँ, ना खाने का टाइम, ना पीने का टाइम, ना सोने का टाइम है ना, सारे सबको मैं खुश कर लेता हूँ, पेशेंट भी ठीक, रिश्तेदार भी ठीक, सब ठीक हो जाते हैं, किंतु उसके बाद मेरा क्या होता है शाम को, एम आई हैप्पी। तो ये जो है मेरी हैप्पीनेस क्वेश्चन, ये जो सिर्फ इंसान के अंदर पावर है, चार चीज। तो इंसान को क्या करना चाहिए, कोई भी काम करने से पहले क्या लगाना चाहिए, एशिया, और उसके बाद एक्ट करना चाहिए, एक्शन में आना चाहिए राइट। और लोरमैन की, लोरमैन क्या करता है, रिएक्शंस करता है, सिर्फ क्या करता है, रिएक्शंस क्या होती हैं, जानवर क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं सिर्फ, क्या क्या रिएक्शन है इंसान के अंदर, एक तो लस्ट, काम विकार, काम विकार बताइए आप, बताइए काम विकार क्या है, एक्शन है कि रिएक्शन है, आप बताइए, यस, काम विकार एक्शन है कि रिएक्शन है, किसी की चेहरा देखा, किसी की बॉडी देखी, उसके बाद विचार चलना शुरू हो गए। ब्यूटी कितना, ब्यूटी कितनी डीप होती है बताइए, स्किन डीप कहते हैं ना। इंसान किस में व्यवहार करता है, गुणों में व्यवहार करता है, पति पत्नी भी आपस में बड़े सुंदर, आपने देखा है हीरो हीरोइन होते हैं ना, बहुत सुंदर होते हैं फिजिकली, कितने दिन उनकी शादी टिकती है, कितने दिन टिकती है, किसी की भी ना, आई डोंट वांट टू नेम पीपल बट यू ऑल नो इट, क्योंकि वो लस्ट के ऊपर बेस्ड है, बॉडी के ऊपर बेस्ड है, वो कोई गुणों पे बेस्ड नहीं है। और लाइफ क्या है, इज बेस्ड ऑन क्वालिटीज, वैल्यूज। पति पत्नी का जीवन कब सुखमय हो सकता है, कभी कभी सुखमय हो सकता है, घर सुखमय कब हो सकता है, आपका जीवन सुखमय कब हो सकता है, जब दोनों के अंदर क्वालिटीज हों और दोनों गुणों में व्यवहार करते हो, ना कि बॉडी में व्यवहार करते हैं, ठीक है राइट। तो लस्ट क्या है, रिएक्शन है। और दूसरा एंगर क्या है, एंगर क्या है बताइए, एक्शन है कि रिएक्शन है, रिएक्शन है। ग्रीड क्या है, एक्शन रिएक्शन। अटैचमेंट क्या है, एक्शन के रिएक्शन। और ईगो क्या है, ये जानवर की नेचर है, इनको एनिमल इंस्टिंक्ट्स कहते हैं, ये पशुओं की नेचर है, पार्श्विक वृत्ति है, इंसान की नेचर नहीं है। आपने देखा जानवर कभी दो कुत्तों को लड़ना हो आपस में, सड़क पे खड़े हों और दोनों एक दूसरे कुछ इसी बात पे नाराज हो जाएं, वो क्या क्या बोले, कुत्ता एक दूसरे को बोले नहीं चलो साइड में चलते हैं, लोग यहाँ देखेंगे क्या कहेंगे लोग। और पति पत्नी एक कमरे में हो, अपने ड्राइंग रूम में हो, किसी बात पर उनकी लड़ाई शुरू हो जाए और जोर से लड़ाई शुरू हो जाए, आवाज़ें आने लगे बहुत ज़ोर से, एक दूसरे पर चीज़ फेंक के मारने लगे, सारा घर, सारा ड्राइंग रूम अस्त व्यस्त हो जाए, और अचानक दरवाजे पर नॉक हो, पति बोल रहा है मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, पत्नी बोलती मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती, मैं अपने घर जाती हूँ, मुझे बहुत हो गया, मैंने 30 साल से मेरा जीवन खराब कर दिया आपने, एक दिन मैं सुख का नहीं देखा आपके साथ,
पत्नी बोलता, पति बोलता मेरा भी जीवन ऐसा ही हो गया, मुस्कुराना ही भूल गया हूँ, जब से शादी हुई मुस्कुराया नहीं मैंने आज तक। दोनों जोर से ज्वालामुखी फट रहे हैं दोनों तरफ से ना। तो क्या होता है, अभी नॉक हुई दरवाजे पे, फिर क्या होता है, अंदर वो फ्रेंड, कोई फैमिली फ्रेंड अंदर आके बैठता है, वो जब तक दरवाज़ा पहले तो ठीक करते हैं, वो सारा अंदर से ठीक करते हैं ना, ठीक करके ठीक करते हैं दरवाज़ा खोलने से पहले। पति बोलेगा पति तुम जाओ ना खुद नहीं, फिर पति पति पत्नी को बोलेगी, पत्नी बोलेगी पति नहीं तुम जाओ, है ना, फिर ठीक करने के बाद बोलेंगे वो, फिर दरवाज़ा खोलेंगे, फिर बोलेंगे इतने अच्छा तुमने इतनी देर से दरवाज़ा क्यों खोला, कहते नहीं बस हम लोग इधर थे, मैं किचन में थी, ये बाथरूम में नहा रहे थे, कुछ वॉट एवर बहाने बाजी का। वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे बहुत आवाज़ें आ रही थी, आपकी आवाज़ आ रही थी, नहीं नहीं वो पड़ोस से आवाज़ आ रही होगी, नहीं नहीं आप लोग चिल्ला रहे थे जो जो से, नहीं नहीं हम तो कभी आज तक लड़े ही नहीं आप सर, हमारी 30 साल में एक बार भी लड़ाई नहीं हुई अभी तक, कभी शो करेंगे अपना कि मैंने गुस्सा किया इस बात पे, गुस्सा किया इसने ऐसा गुस्सा, कभी शो करेंगे? अगर इंसान की नेचर होती लड़ाई करना क्रोध करना तो लड़ता दिखाता नहीं क्या, नहीं दिखाता, नहीं दिखाता, क्या समझते हैं इंसान की नेचर नहीं है क्रोध करना, काम विकार इंसान की नेचर नहीं है, उसको पागल कहते हैं ना, इंसान नहीं जानवर कहते हैं ना, जो कामी मनुष्य होता है उसको जानवर से तुलना की जाती है, पशु से तुलना की जाती है, लोभी की भी इंसान ही माना जाता है उसको, अहंकारी व्यक्ति को भी इंसान नहीं मांगता, कहते हैं ये तो बैल ऐसा है, सींग वाला सांड है ना, है ना, मारने को आता है, जब देखो मारने को आता है, नहीं ऐसा बोलते नहीं बोलते, नाक पे गुस्सा बैठा रहता है इसके तो, है ना, पता नहीं अपने आप क्या समझता है, पता नहीं अपने आप क्या समझती है ना, ऐसे अटैचमेंट क्या समझते हैं, बंदरी, ये तो बंदर है ना, बंदर जैसे चिपका के रखता है मरने के बाद बच्चे को, तो भी तो उसकी उससे तुलना करते हैं इंसान की, तो इंसान की नेचर है क्या ये चीज़, और हम किससे पीड़ित हैं, सभी किससे पीड़ित हैं, इस समय किसी से पीड़ित हैं, नहीं पीड़ित हैं क्या, तो हम क्या भूल गए, एशिया में रहते हैं एशिया लगाना भूल गए, कहाँ रहते हो, एशिया में रहते हो कि अमेरिका में रहते हो, तो एशिया लगाना भूल गए। अब देखो ये तो डेड बॉडी में भी है सब कुछ ना, किंतु इसको चलाने वाला कौन, ये डेड बॉडी में भी होता है, हायर ब्रेन भी होता है, सब कुछ होता है, एशिया लगाने वाला कौन, ये विकार में जाने वाला कौन, और इसी के बच्चे भी हैं, दो दो बच्चे भी हैं इनके ना, काम विकार, जो कामी व्यक्ति होता है लेजी बहुत होता है, आलसी होता है, केयरलेस होता है ना, एंगर वाले को सिनिसिज्म, दूसरे में दोष निकालने की आदत होती है, और इसको बदला लेने की रिवेंजफुल बिहेवियर होता है, हॉस्टिलिटी, ग्रीड वाले को शक बहुत रहता है, सस्पिशियस नेचर होती है उसकी, और एजम्पशंस, एज्यूम करता है हर बात को, शक का अनुमान लगाता रहता है। अटैचमेंट वाले को एंजाइटी बहुत रहती है, बच्चा आज आया नहीं, क्या हुआ, कहाँ रह गया, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, किसी ने उठा तो नहीं लिया, फियर, अच्छी बात कभी मन में नहीं आएगी, आती है अच्छी बात मन में, बच्चा स्कूल से आना था देर हो गई, घंटा देर हो गई तो क्या करेंगे, कैसे विचार आएंगे मन में, अच्छे अच्छे आएंगे, कोई बात नहीं, लेट हो गया होगा, स्कूल में कोई प्रोग्राम हो गया होगा, आ जाएगा एक घंटे बाद, एक बज गया, डेढ़ बज गया, एक बजे आना था डेढ़ बज गया, तो क्या क्या सोचेंगे, कहीं सुनेंगे ना, अरे एक्सीडेंट, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट, मेरी बच्चे की बस पलटी होगी, अरे भाई तुम्हारे एरिया में नहीं पलटी, दूसरे एरिया में पलटी, अटैचमेंट इज नॉट, अटैचमेंट इज मोह, लव इज समथिंग एल्स, और ईगो के दो बच्चे कौन से हैं, टाइप ए बिहेवियर, ईगोइस्टिक व्यक्ति प्रेशर में रहते हैं हमेशा ज़्यादा, और जेलसी, नफरत है ना, या घृणा, और इनके 10-10 फिर और भी हैं आगे, तो नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज हैं ये वाली, तो ये जो है हमारे अंदर, ये जो इसकी प्रॉब्लम है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी को, थॉट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, राइट, नेगेटिव विचार यहां से आते हैं, ये मक्खी के समान है, दूध में मक्खी है ना, जो पॉजिटिव नजर नहीं आने देते हैं हमारे अंदर, ये नेगेटिविटी से भरे रहता है हमारा मन,
डर से भरा रहता है ना, ये वाली हालत है हमारी, है ना। तो अब आत्मा देखो, आत्मा कहाँ ड्राइवर कहाँ बैठता है हमेशा, जहाँ पे पूरा कंट्रोल होता है, कहाँ बैठे आत्मा, यहाँ बैठे कि यहाँ बैठे, कि यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, कहाँ बैठे, यहाँ सीट है सोल की, हाइपोथैलेमस के सेंटर पे, क्योंकि हाइपोथैलेमस में इतनी हाईली डेवलप्ड सेल्स हैं जो कि सेंस करती है आत्मा के, जो एनर्जी निकलती है, सात एनर्जी निकलती है आत्मा से, ज्ञान निकल रहा है, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियाँ, उसको सेंस कर सकती है सेल्स। जैसे एक डैम से पानी गिरता है ऊपर, ऊपर से डैम में होता है नर्मदा डैम, भाखड़ा डैम, ऊपर से पानी गिर रहा है, 350 फुट से ऊपर से पानी गिरता है, नीचे टर्बाइंस हैं, काइनेटिक एनर्जी, पानी ऊपर से गिरा, काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल गई, वो एनर्जी हमने स्टोर की डायनामो में, और वहाँ से वो एनर्जी कहाँ चले गई, 22,000 वोल्ट के तारे, 11,000 वोल्ट के तारे, फिर हमारे घर में क्या पहुँचा, 220 वोल्ट, उससे हमने क्या चलाया, घर में क्या क्या किया, बल्ब जलाया, ट्यूबलाइट जलाई, पंखा चलाया, एसी चलाया, कप खाना बनाया, हीटर बनाया, फ्रिज चलाया, नहीं ये सब कुछ चलाते हैं ना, कंप्यूटर भी चलाते हैं उसी से, मोबाइल भी चार्ज करते हैं, सारे काम किससे करते हैं आज हम। तो आत्मा यहाँ बैठ के वो एनर्जी निकाल, वो एनर्जी आत्मा से निकलती है, और वो एनर्जी सात एनर्जी निकल रही है, और उससे जो है ये एनर्जी सारे शरीर में फैल रही है, ठीक है। और वो जो विचार है आत्मा से, जो एनर्जी आत्मा से, पहले एनर्जी कौन से निकल रही है, ज्ञान, पवित्र ज्ञान, नॉलेज। कंप्यूटर खोलते तो पहले पहले क्या दिखाई देता है, पहले क्या दिखाई देता है, कंप्यूटर खोलते ही उसकी मेक दिखाई देती है ना, फर्स्ट पेज पे जो थे आजकल, उसको हम निकाल देते हैं, साइड में कर देते हैं ना, लेकिन अब किंतु हमेशा कंप्यूटर में पहले मेक दिखाई देगी, कितनी उसकी MB है, कितनी उसकी पावर है, सब कुछ दिखाई देगा। तो पहली चीज़ जो है वो नॉलेज है, यहाँ से एक मैसेज जा रहा है सारी बॉडी में, 80,000 बिलियन कोशिकाओं में, मैं हूँ ना, मैं आत्मा हूँ, मैं इटर्नल हूँ, राइट। तो ये मैसेज जा रहा है तो सेल्स काम कर रही हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड होती है ना, अल्ट्रासाउंड पेट में हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो क्या करते हैं, किडनी का साइज नाप सकते हैं, किडनी में स्टोन नाप सकते हैं, गॉलब्लैडर में स्टोन देख सकते हैं, ऑर्गन्स का साइज हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, एक बार सभी खड़े हो जाए, मुझे लगा कुछ लोग सुस्त दिख रहे हैं, नाश्ता करने के बाद सुस्त हो गए, एक खड़े हो जाए, सभी खड़े हो जाए, जरा एक दूसरे के सामने ऐसे हो जाओ, सामने जरा एक दूसरे ऐसे हो जाओ, मुस्कुराओ जरा एक दूसरे को देख के, मुस्कुराओ अच्छे से, मुस्कुराओ तो जोर से, मुस्कुराओ, हंसना रावण का काम है, मुस्कुराना राम का काम है, हंसना नहीं, सिर्फ मुस्कुराओ अच्छे से, आप मुस्कुराओ ना अपनी पत्नी के सामने, ठीक है। अच्छा अभी थोड़ा सा हाथ ऐसे ऐसे कर लो, हाँ जी, थोड़े सामने कर दो, सामने वाले को बॉक्स नहीं करना, ऐसे कर, ठीक है, हाँ जी, थोड़े हाथ ऐसे घुमा लो, अपने कान थोड़े से ऐसे ऐसे कर लो, रब कर लो, यहाँ पे हमारे वो पॉइंट्स होते हैं एक्टिव रहने के ना, किसी बच्चे कान पकड़े जाते हैं जब काम नहीं करता तो क्या करते, नाक नहीं पकड़ते हैं ना, तो ये अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अभी बैठ जाओ, तो ज्ञान चार बातों का रहता है ना, सार रूप में कहे तो चार बात का ज्ञान रहता है, ABCD, क्या ज्ञान रहता है, ABCD, A फॉर आत्मा, आई एम अ सोल, ये मैसेज यहां से जा रहा है सारी सेल्स पे कि मैं आई एम अ सोल, आई एम इटर्नल, ठीक है, ये मैसेज जा रहा है सारी सेल्स पे, और ऑटोमेटिक जा रहा है, जब तक ये मैसेज जा रहा है तो 80,000 अरब कोशिकाएं काम कर रही हैं, जैसे ही मैसेज जाना बंद होता है सेल्स काम करना बंद कर देते हैं। समुद्र की गहराई हम कैसे नापते हैं, एक आदमी इंची टेबल के नीचे जाता है, वो नीचे जाके बैठ जाता है, फिर कहता है मैं नीचे बैठ गया अभी ले लो नाप ले लो, ऐसे होता है क्या, नहीं, अल्ट्रासाउंड होता है, सुनार मशीन होती है, उस अल्ट्रासाउंड नीचे जाती है, टच करती है अर्थ उसकी समुद्र की तल को, वापस आती है, हमें स्पीड पता है, उससे हम समुद्र की गहराई नापते हैं। जितनी सबमरीन्स होती हैं आप तो सब जानते हैं, शिपिंग में है, आपके जितने शिप होते हैं उसके नीचे भी सुनार लगा होता है, आगे पीछे भी सुनार लगा रहता है, तो जो भी मतलब वो कैप्टन होता है शिप का, उसको पता रहता है कहाँ कितने दूर रॉक है, नीचे भी रॉक्स होती हैं, है ना, समुद्र में उसको पता रहता है कहाँ पर रॉक्स है, कैसे जाना है, कैसे, वो अपने आप ही डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, नहीं ऐसा,
कितने लोग शिपिंग में, जो जो शिप ऐसा कैप्टन है आप में से कोई जो ड्राइव करते हैं शिप को? अच्छा नहीं है, आप है? होता नहीं होता उसमें, सब मरीज में भी होता है तो एक्यूरेट उससे उससे पता लग जाता है कहाँ पर है मैं, हमारा शिप कहाँ पर है, कितना जा रहा है, सबमरीन कहाँ पर है ना, ऊपर हम धरती के कितने नीचे, पानी से कितना नीचे आ गए, एक्यूरेट हमें पता लगता है। इको, वही इको माना वही अल्ट्रासाउंड, हार्ट का भी हम सोनोग्राफी करते हैं उसे इको कहते हैं ना। तो ये जो है एक तरह की ये भी आवाज़ है ना, अल्ट्रासाउंड इज़ साउंड राइट, ऐसे ही एक अल्ट्रासाउंड एक साउंड है जो कि कानों को सुनाई देती, इसको हम कहते हैं अनंत नाद, हिंदी में शब्द है अनंत नाद, अनंत मीन्स अनलिमिटेड साउंड जो सदा चलती रहती है, जब तक आत्मा शरीर में है तब तक सारे शरीर पर आवाज़ जा रही है मैं हूँ ना। दूसरी मैसेज क्या जा रहा है, बाबा, पी फोर बाबा, बाबा मीन्स मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, आप इसको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, मैं डॉक्टर स्टूडेंट्स हो, मेरे फादर पुलिस कमिश्नर हैं, मेरा चाचा क्या है वो दिल्ली में सेक्रेटरी हेल्थ है, अभी क्या बोलेगा सामने वाला, क्या बोलेगा इसका सेक्रेटरी चाचा हेल्थ सेक्रेटरी हेल्थ, बाप पुलिस कमिश्नर, आप बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट, तो ये बंदे को मैं क्या करूँ है ना, तो अब ये क्या बोल रहा है उसको कि मेरा जो बाप है ना वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, परमात्मा है, सारे विश्व का मालिक है, और वो क्या है फिर सी फॉर कनेक्शन, सी माने मेरे संबंध सारे उसके साथ है, वो मेरा माँ भी है, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, बंधु भी है, सखा भी, बंधु माना बड़ा भाई, सखा भी, दोस्त भी है, मोस्ट बिलेवड, साजन भी है, सर्जन भी है, डॉक्टर भी मेरा वही है, बच्चा भी वही है, हर संबंध मेरा उसके साथ है, मतलब मेरा बाप मेरा सब कुछ है। और डी फॉर ड्रामा, संसार एक नाटक है, ड्रामा है, इसमें हर आत्मा एक्टर है और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और परमात्मा शिव बाबा जिसे कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा उसका क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं। इसलिए जो अब तक हुआ है वो क्या हुआ है, अच्छा हुआ है। आज क्या दुनिया फंसी कहाँ हुई है, मेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे को ऐसा किया, उसने मेरे को ऐसा किया, उसने मेरे को ऐसा किया, 90% विचार वहीं से आ रहे हैं। मेरे पास तो बहुत बड़े बड़े हार्ट पेशेंट होते हैं ना, तो मिडिल क्लास भी होते हैं, लोअर क्लास भी होते हैं, हाई क्लास भी होते हैं, कई बहुत पैसे वाले होते हैं ना, बहुत इनकी मतलब कई कई सैकड़ों करोड़ में उनकी टर्नओवर होती है साल की, तो वो भी मेरे पास आते हैं, तो मैं पूछता हूँ आप तो बहुत अच्छे रहेंगे, बचपन से बहुत अच्छा परिवार में जन्म लिया, बहुत पैसे वाले परिवार में जन्म लिया, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहते डॉक्टर साहब बात मत पूछो, बात मत पूछो मेरी, तो मैं कितना दुख सहा है, मैं कहानी सुनाने लगूँ तो 2 दिन बीत जाएंगे मेरे दुखों की कहानी। फिल्म कलाकार भी आते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स भी आते हैं, तो उनकी भी कहानी ऐसी होती है, सभी की कहानी, पढ़े लिखे अनपढ़ सबकी कहानी ऐसी, पास्ट इज फुल ऑफ नेगेटिव्स। तो अभी तक जो कुछ हुआ है, अब मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, तुम भी शांत स्वरूप, मैं भी शांत स्वरूप, तुम्हें भी शांति प्यार चाहिए, मुझे भी शांति प्यार चाहिए, तो अभी क्या है, इस बात को समझने से क्या हुआ, पत्नी है चाहे पति है चाहे बच्चे हैं चाहे कोई भी है चाहे दोस्त है, वो हम आत्माएं हैं, एक दूसरे के आपस में, एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन है, वे भाई भाई हैं। तो जब ये फीलिंग में आते तो हमें क्या होता है, फिर हम कह सकते हैं जो हुआ अच्छा हुआ। और कर्मों का हिसाब किताब, ये भी ध्यान रहे, खाली कर्मों के हिसाब से नहीं, कर्मों के हिसाब किताब, अगर आपने किसी से 100 साल पहले 1000 रुपया उधार लिया था और वो आपका बच्चा बन के आ गया, बेटी बन के आ गया, बेटी बन के आ गई इस जन्म में, ठीक है, कहते हैं 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा, नहीं गीत है ना, वो जो प्यार था 100 साल पहले वाला, अभी 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 वो आ गया हमारे पास, कहते भाई साहब वो पिताजी हमको जरा मेरा 1000 रुपया उधार दो वापस, अच्छा 1000 रुपया तो ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब इसका ब्याज दो जरा। मैंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछा था, पहले रेट बहुत ज़्यादा था ब्याज का ना, तो उसने बताया कि मैंने कहा ब्याज कितना बनता है 1000 रुपये का 100 साल पहले का, कहते डॉक्टर साहब 52 करोड़ 48 लाख रुपया बनता है। अब बताओ 52 करोड़ 48 लाख रुपया दूँ, अब मेरे पास कहाँ से लाऊँ, मेरे पास अपने आप को भेज दूँ तो भी नहीं मिले है ना, अब मैंने 1 करोड़ बच्चे की पढ़ाई पर खर्च कर दिया, सब कुछ उसको पढ़ा लिखा दिया, बड़ा कर दिया, मैं पूछता बेटा कैसा है, पापा बस मेरा तो जीवन ही खराब कर दिया आपने, संतुष्ट नहीं है ना।
इसलिए जो भी हुआ है क्या हुआ है, किसी ने कुछ गलत कर दिया, जो आपने एक गाली दी थी 100 साल पहले किसी को, अब कितना ब्याज हो गया उसका, याद रख हिसाब लगाओ, अब कितनी गाली देगा आपको, पानी पी पी के गाली देगा तो भी पूरी नहीं होगी, है ना? नहीं, आपने किसी को दुख दिया था इतना सा, अभी कितना हो गया ब्याज लगा के, आप कितना करते हो अपने घर वालों के लिए, कितना सब कुछ, संतुष्ट रहता है कोई आपसे? आप ऑफिस में काम करते हो, अपने बॉस आपके संतुष्ट रहते हैं, नीचे वाले संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं आपसे, बोलो रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते होंगे ना, जरूर रहते होंगे, ऐसा क्या, आपने जीवन तो बहुत अच्छा, आपने सारा उम्र काम करते करते हो गया ना, बाल भी सफ़ेद, बाल भी उड़ गए सभी सिर पे से, है ना, आँखों चश्मा लग गया सब कुछ, तो कुछ रहा नहीं, कमर झुक गई है ना, अब तो सब संतुष्ट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए थे, कोई संतुष्ट नहीं होता है ना, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ है ना, और जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्यों बताओ बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि अब जो है बाप है ना, जो हमारा शिव परमात्मा शिव, वो हर संबंध से हमारे साथ है और हर सेकंड हमारे साथ है, हर संकल्प में और हमारे हर विचार में हमारे साथ है, अब हमें गाइड कर रहा है और हर जगह हमारे साथ है, आप बाथरूम में हो आपको हार्ट में दर्द हो जाए, वहां बाथरूम में कौन आएगा आपको सुनने, आपको बाबा आ सकता है वहां, है ना, हर जगह आ सकता है, राइट, और आपको डायरेक्शन दे रहा है, रोज डायरेक्शन दे रहा है, इसलिए जो हुआ बहुत अच्छा, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि बाबा हमारे साथ, और जो होने वाला क्या होने वाला है, सबसे अच्छा होने वाला, क्योंकि अच्छे कर्म कर रहे हैं उसकी श्रीमत पे, तो अच्छा होगा ही, राइट, इससे हमारा मन और बुद्धि पवित्र होती जाती है, ठीक है, इससे हमारे अंदर पवित्रता आती है, ओके, इससे प्योरिटी आती है, जितना, तो व्हाट इज मेडिटेशन, मेडिटेशन इज नथिंग बट रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ, एंड व्हाट इज ट्रूथ, ABCD, अब बोलो सभी, ए फॉर, जोर से बोलो ना, जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं, ए फॉर, सभी नहीं बोल रहे हैं, शर्माओ नहीं, ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर, तो यही मेडिटेशन है, यही मेडिटेशन है, जितना आप इसका अभ्यास करते जाओ, जितना आप अभ्यास करते जाओ, जितना इस ABCD को रिवाइज करो, रियलाइज करो, ये जो बाबा की मुरली होती है ना, इसको मुरली कहते हैं, इसमें ये यही चार चीज़ें होती हैं, तो बाबा शिव बाबा अलग अलग तरह से इस मुरली के पॉइंट्स को बताते हैं, हाँ नहीं, वो ABCD में आत्मा का ज्ञान होता है, परमात्मा ज्ञान होता है, सी फॉर कनेक्शन, बाप से हमारा क्या क्या संबंध है, डी फॉर ड्रामा, संसार रूपी नाटक क्या है, उसका आदि मध्य अंत क्या है, तो जितना इस मुरली को हम, परमात्मा की मुरली को हम ज़्यादा बार बार रिवाइज करते हैं और अनुभव करते जाते हैं, यही मेडिटेशन है। अब हीलिंग हुई नहीं, मुझे बताओ, आपने उसने धोखा दिया था, उसने मेरे को ऐसा मेरे पैसे 5 लाख रुपए खा गए, अब हील हुआ कि नहीं हुआ, क्यों हील हुआ कि नहीं हुआ, मैं ये बात समझ नहीं पाता, उस 5 लाख खा के उसने डकार भी नहीं ली, है ना, कभी उसको फील भी नहीं हुआ, अरे भाई तुमने 500 रुपये लिए थे, उसने 5 लाख रुपये ब्याज समेत ले लिया, अभी उसको कुछ फीलिंग में नहीं है, अभी तो बाकी देने और 5 लाख देने बाकी, अभी तो खुशी नहीं है वो, अब मैं उसको माफ़ कर सकता हूँ, किसने गाली दी तो मैंने क्या सोचा, इसने मेरे को ऐसा क्यों किया, मुझे समझ आई, मैंने पिछले गाली दी हो पिछले जन्म में, तो इसने वापस दे दिया, इसने 10 दे दी, मैंने 1 ही दी थी, माफ़ कर दिया, ठीक है, तो अब मैं माफ़ कर सकता हूँ, राइट, कोई भी हो, पति पत्नी बच्चे को, किसने कुछ भी किया हो, दोस्तों ने किया, कुछ ने भी किया, अब मैं माफ़ कर सकता हूँ, ठीक है, धोखा दिया था, धोखा वापस मिला, हिसाब किताब चुक तो हुआ, तो जो हुआ अच्छा हुआ, अब मैं कह सकता हूँ, हीलिंग हुई कि नहीं, और जो होने वाला बहुत अच्छा, पता है अभी जो होने वाला, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, और जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि बाबा हमारे साथ है, समझ में आई, तो इससे हमारी पवित्रता आई, पवित्रता से शांति आई, शांति माना ओनली पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव खत्म हो गए, वेस्ट खत्म हो गए, इससे लव आया, लव माना, इसका फार्मूला क्या है मैं बताऊंगा बाद में, लव माना अनकंडीशनल रेस्पेक्टफुल केयर फॉर एवरीवन, अनकंडीशनल रेस्पेक्टफुल केयर फॉर एवरीवन, आज की केयर कैसी, कंडीशनल केयर है, हम कंडीशनल केयर देते हैं, मतलब है तो सब कुछ करते हैं, रेस्पेक्ट भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, और जब मतलब निकल गया तो क्या होगा, फिर
मतलब निकल गया तो फिर जानते ही नहीं, नहीं तो फिर उसको वो जानते हैं, आंख ही फिर लेते हैं। इससे डिप्रेशन होता है। यंग मंस में डिप्रेशन क्यों हो रहा है? इसी कारण से हो रहा है। और रेस्पेक्ट की डेफिनेशन क्या है? टू रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट यूनिक रोल ऑफ ईच एंड एवरी वन, टू रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट यूनिक रोल ऑफ ईच एंड एवरी वन। अर्थात आपके घर में, आपके जहाँ भी काम करते हो वहाँ पे देखो, खाली आप रामलीला में क्या क्या होता है, राम भी है, लक्ष्मण भी है, सीता भी है, हनुमान भी है, और रावण भी है, मेघनाथ भी है, कुंभकर्ण भी है, शूर्पणखा भी है, मंथरा भी है, कैकेयी भी है। तो आपके घर में क्या है, आपके ऑफिस में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे क्या है, और फिक्स रोल नहीं है। थोड़ी देर में राम है, थोड़ी देर में रावण बन जाएगा, थोड़ी देर में मेघनाथ बन जाएगा, थोड़ी देर में कुंभकर्ण बन जाएगा, थोड़ी देर में हनुमान है, थोड़ी देर में मेघनाथ बन जाएगा, थोड़ी देर में सीता है, थोड़ी देर में शूर्पणखा बन जाएगी। इसके लिए इसको आपको अप्रिशिएट करना है, उसका यूनिक रोल है, उसके बगैर ड्रामा नहीं है, उसको भी रिस्पेक्ट देनी है, उसको एक्सेप्ट करना है, रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। ये है रेस्पेक्ट, और अनकंडीशनल है, बिना शर्त के। भगवान कभी ऐसा नहीं करता, ये तो आतंकवादी है और ये तो अच्छे लोग हैं, इनको तो हवा पानी खूब देता हूं, इसको हवा पानी बंद। भगवान का यूनिवर्सल लव है, स्पिरिचुअल लव है, हम उसके बच्चे हैं, तो हमारा लव कैसा होना चाहिए? एक्सेप्ट करना हर चीज को, जो जैसा है एज इट इज, उसको बदलने की कोशिश नहीं करो, अपने बच्चों को इसको उसको बदलने की कोशिश मत करो, एक्सेप्ट देम एज दे आर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअल, दैट इज नरिशिंग नेचर। माँ बाप माँ होती है, अपने बच्चे को कैसे करती, कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, कैसा भी होता है, उसकी केयर करती नहीं करती। और इसलिए बच्चे माँ बाप को, माँ को याद, बाप को याद नहीं करते। 70 साल का होने के बाद, माँ मरने के बाद भी क्या बोलता है, दर्द होता तो हाय माँ बोलता, हाय बाप नहीं बोलता कभी, नहीं? क्या ख्याल है, आप में से कोई बोलता है हाय बाप, बोलता है कभी? कोई कोई नहीं बोलता ना, तो, हाँ जी, हाय डैड, वो हाय बोलते हैं, हाय, है ना। तो लव, समझ आई लव क्या है? तो दैट लव हील्स योर हार्ट, उससे आर्टरीज खुलती हैं, उससे ब्लॉकेजेस खुलते हैं, और फिर ऐसा लव से आपके अंदर हैप्पीनेस आती है। हैप्पीनेस माना सुपर सेंसुअस फीलिंग ऑफ जॉय, सुपर सेंसुअस, इंद्रियों से ऊपर का सुख। हैप्पीनेस किसको आ सकती है? जो संतुष्ट है, जिसको कोई इच्छा नहीं है। मुझे, मैं आत्मा हूं, मैं मर नहीं सकता, मेरा बाप मर नहीं सकता, है ना, सर्व संबंध से मेरे साथ है, हर समय मेरे साथ है, और ड्रामा में जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। अब क्या चाहिए, कोई इच्छा है अभी? जो होना है, जो मिलना है, समय से पहले नहीं मिलना, भाग्य से ज्यादा नहीं मिलना, तो इच्छा है अभी कोई? ऐसा व्यक्ति सुपर सेंसुअल जॉय का फील कर सकता है, ऐसे आदमी का पेट अच्छा रहेगा, हाजमा ठीक होगा, गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं बनेगी, कब्जी नहीं रहेगी, बार बार टॉयलेट नहीं जाना पड़ेगा, उसका लीवर ठीक काम करेगा, ठीक है। ये नहीं कि कॉमेडी शो देख रहे हो, उसका किसका आता है, कौन सा शर्मा है, कौन सा वाला है ना, उसका शो देख रहे हो, उससे पेट ठीक नहीं होने वाला, गैस ठीक नहीं होने वाली, एसिडिटी ठीक नहीं होने वाली, वो तो कटाक्ष होते हैं एक दूसरे पर। और इससे आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद माना ब्लिस, आनंद माना, आन मीन्स बंधन, देह और देह की दुनिया के पार आत्मा बंधन मुक्त हो गई, परमात्मा की याद में खो गई, सागर में समा गई, ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखान शक्तियों का सागर समा गई। तो इसको कहते हैं आनंद। इससे क्या होता है, इससे आपके सारे हार्मोन्स ठीक हो जाते, थायराइड प्रॉब्लम, डायबिटीज और सब बीमारियां ठीक हो, ठीक है। और फिर इससे शक्तियां आती हैं, शक्तियां माने पावर्स, इससे आपके अंदर परखने की शक्ति आ गई, जिसको अतिंद्रिय सुख की अनुभूति हो गई, अब वो क्या करेगा, वो 4 बजे उठेगा अमृत वेला करने के, क्योंकि वो जो आनंद की अनुभूति हुई ना कल, आज सुबह अभी, कल वो आपको वापस कहेगी, नहीं मुझे वही फील करना वापस, राइट। उसको परखने की शक्ति, उसको निर्णय करने की शक्ति आ गई, मुझे करना ही है, उसको पहाड़ जैसी बात को राई बनाना आ गया, विस्तार को सार बनाना, उसको समेटना आ गया, जिसको समेटना आ गया उसको सहन करना आ गया, सहन करना आ गया तो समाना आ गया, समाना आ गया तो सामना करना, अब नई प्रॉब्लम है मैं उसको फेस कर सकता हूँ, फिर सहयोग कर सकता हूँ। ऐसे जो 8 शक्तियाँ जो आपको आज बताई होंगी, वो 8 शक्तियाँ आपको, उस पूरी क्लास होगी उस पर, वो 8 शक्तियाँ आई। तो ये जो 7 एनर्जी आत्मा से निकल रही, सारी बॉडी को नरिश कर रही है, ठीक है। और ये जो है, अब जब मैं अगर कहूँ, जैसे ही आप, मतलब हमारे 15 विचार चल रहे हैं 1 मिनट में,
जैसे मैं 15 विचार मेरे होते हैं और मैं जैसे इसका फार्मूला भी है देखो क्या है, के पी स्क्वायर लो हाई ब्लड प्रेशर, ये सीक्वेंस याद कर सकते हो, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। ज्ञान से पवित्रता है, पवित्रता से शांति है, शांति से प्रेम है, प्रेम से सुख है, सुख से आनंद है, आनंद से शक्तियाँ, राइट। तो जितना इसको ज्ञान को आप जितना रिवाइज रियलाइज करते जाएंगे इसी को राजयोग कहते हैं। इससे आपके अंदर पवित्रता आती जाएगी, शांति आती जाएगी, नेगेटिव विचार वेस्ट विचार खत्म होते जाएंगे, आप सबको एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, आपको कंप्लेन खत्म हो जाएंगे और फिर इच्छाएं कम होती जाएंगी तो सुखी सुखी अनुभूति होगी, आनंद माना आप देह और देह के बंधन से पार जाएंगे, आपके सारे हार्मोनल सिस्टम ठीक हो जाएगा और शक्तियाँ आपके सारे मसल्स ज्वाइंट्स बोन्स अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब इसमें जैसे 10 विचार चल रहे हैं आपके एक मिनट में, 15 विचार यहाँ पर है, इसमें 10 विचार हैं, इसमें 8 विचार हैं, इसमें 6 विचार हैं, इसमें 4 विचार हैं, इसमें 2 विचार हैं, इसमें 1 विचार है, समझिए। जो जितना ज्ञान का आप रियलाइजेशन और ज्ञान को अनुभव करते जाएंगे, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ ये ज्ञान है, मैं आत्मा हूँ यहाँ चला रही हूँ शरीर को, परमात्मा की संतान हूँ ये अनुभव करना योग है, योग कुछ और नहीं है, ठीक है, ये मेडिटेशन है। और इससे जितना आप अनुभव करते जाएंगे उतना क्या होगा आपके अंदर, आपकी फ्रीक्वेंसी थॉट फ्रीक्वेंसी कम होती जाए, 10 विचार हो गए, 8 हो गए शांति, 10-15 पे आपका ऑरा यहाँ पर है स्किन लेवल पे, 6 हो गए 8 हो गए तो आपका ऑरा यहाँ आ गया 6 इंच, इस पर रिसर्च हुई हमने भी की है DRDO से मिलकर, तो 6 इंच पे ऑरा इतना आ गया, 8 पे शांति मतलब शांति महसूस करें तो 6 इंच कवच बन गया आपके आसपास, शांति प्यार खुशी का, सामने वाला गुस्सा कर रहा है आपको गुस्सा फील नहीं होगा क्योंकि आपके ऑरा से टकरा के वापस चला जाएगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा। और आपने अगर 6 कर लिया तो 4 फुट का ऑरा हो गया, 4 फुट तक शांति प्यार खुशी की, सामने वाला आपको मारने के लिए आ रहा है आपके 4 फुट के अंदर आता ही शांत हो जाएगा, ठीक है। आपके ऑफिस में जहां भी जाएंगे घर में ऑफिस में 4 फुट तक शांति प्यार खुशी छाई रहेगी, ठीक है। और अगर 5 हो गया तो कितना हो जाएगा 16 फुट हो जाएगा, 4 फुट हो गया तो 4 हो गया 64 फुट हो जाएगा, 3 हो गया तो कितना हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती जाएगी, 1000 फुट तक भी हो जाएगा, दूर दूर तक शांति प्यार खुशी की एनर्जी जहाँ भी आप जाओगे, तो ये है पीस इन डिफिकल्ट टाइम्स, राइट। ये आपको करना है, इसमें कुछ आंखें बंद नहीं करना है, चलते फिरते उठते बैठते, मेडिटेशन इज अ वे ऑफ लाइफ, ये सुप्रीम सोल है। कितनी दूर है हमसे सुप्रीम सोल, आपका घर यहाँ से कितनी दूर है, बॉम्बे में कितनी दूर है, यहाँ से बैठे बैठे जा सकते हो आप, यहाँ से बैठे बैठे अपने घर जा सकते हो, ड्राइंग रूम दिख रहा है आपको अपना, दिख रहा है, चीज़ें दिखाई दे रही कहाँ कहाँ क्यों रखी है, बच्चा दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है कैसा है शक्ल से दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही हमसे बाप कितनी दूर है, शिव बाबा एक सोच की दूरी पर है सिर्फ, यहाँ बैठे बैठे जैसे हम ऐसे विचार करते हैं हम वहाँ पहुँच जाते हैं और उससे हमें करंट आने, वो क्या है शिव बाबा कौन है, सातों गुणों का सागर है, वो सातों गुण हमारे अंदर ट्रांसफर होने लगते हैं। क्या हुआ फिर, फ्रीक्वेंसी अपने आप क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी और यही शांति प्यार और बढ़ता गया खुशी आनंद, जहाँ भी जाओगे डिफिकल्ट टाइम्स चेंज होते जाएंगे, लोगों के परिवर्तन होते जाएंगे, बच्चों का परिवर्तन हो जाएगा, आपके बॉस का परिवर्तन हो जाएगा, आपके सबॉर्डिनेट्स का परिवर्तन हो जाएगा, आपको भले उनदर से कैसे भी हो आपको कहें तो देवता आदमी है ना, क्योंकि आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी चिंता नहीं होगी, कभी ये पशुओं की वृत्ति आपको दिखाई नहीं देगी अपने अंदर, चिंता फिक्र खत्म, टेंशन खत्म, जल्दीबाजी खत्म, ठीक है। करेंगे इसे, टाइम मेरा हो गया, मैं आपको सिर्फ एंजियोग्राफीज दिखा देता हूँ कैसे, देखो आर्टरीज कैसे खुल जाती है ना, पेशेंट्स की ब्लॉकेजेस कैसे खुल जाते हैं, ये सारी बातें मैं, क्या हुआ इसको, इट्स नॉट वर्किंग, चलो मुझे बैठ के दिखाना पड़ेगा, आप देखते रहना, हाँ ये सब निकाल देता हूँ, लास्ट में ले जाता हूँ आपको। देखो इवन जीन्स भी बदल जाते हैं मेडिटेशन से, आपको ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ कैंसर के जीन्स हैं, कोई भी जीन्स हैं वो भी मेडिटेशन से बदल सकते हैं 3 महीने के अंदर अंदर,
और ये हमने रिसर्च की थी ग्लोबल हॉस्पिटल और DRDO से मिलके और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने स्पॉन्सर किया था और ये रिसर्च पब्लिश हुई है 2011 में और अभी 2013 से लेकर 2015 तक ये रिसर्च वर्ल्ड में नंबर वन है अभी तक ना, टॉप देख रहे हैं आप, टॉप 20 में नंबर वन है, अभी देखो 2015 में नंबर वन है। और ये रिसर्च में हमने क्या किया है देखो, ये एंजियोग्राफीज में देखो, हमारे 80% लोग देखो, हमारे 93% पेशेंट्स के ब्लॉक खुले हैं जो कि उसके एंजियोप्लास्टी बाईपास करा के भी लोग वापस ब्लॉक हो जाते हैं। बाईपास सिर्फ टाइम पास है, एंजियोप्लास्टी भी टाइम पास है, फिर बंद हो जाते हैं क्योंकि हमारे ही मन के विचारों से ब्लॉक होती हैं आर्टरीज। आप देखिए, देख रहे हैं आप, ये 80% ब्लॉक है, ये खुल गया है, दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है? और फिर ये देखिए, इतना लंबा ब्लॉक देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये ब्लॉक खुल गया है ना, ये देखिए 100% ब्लॉक है। टू अवर सरप्राइज हमने हमारी स्टडी में 33 लोगों को 100% ब्लॉक थे, कैल्सीफाइड, जैसे हड्डी होती ना सब ऐसे ब्लॉक आर्टरीज के अंदर हो गए थे, हमने उनको कंसिडर नहीं किया था, बट टू अवर सरप्राइज कि हम उसमें से 33 में से 19 लोगों के वो ब्लॉक 100% ब्लॉक भी खुल गए, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो कैसे खुल गए, ये 100% देखिए ब्लॉक खुल गया, ये देखिए मल्टीपल ब्लॉक्स खुल गए, 80% और 90% ब्लॉक खुल गया। और देखो, इस पेशेंट को दो बार हार्ट अटैक आ चुका था, हार्ट की पंपिंग 30% हो गई थी, और इस प्रोग्राम को फॉलो करने से क्या हुआ, उसकी पंपिंग 45% हो गई, जो स्टेम सेल थेरेपी से भी इतनी नहीं बढ़ सकती है। 80% ब्लॉक खुल गया। ये देखिए, इस पेशेंट को दो बार हार्ट अटैक, इसको भी हार्ट अटैक आया था, उसकी हार्ट की पंपिंग सिर्फ 20% रह गई थी, जब इसको फॉलो किया उसने प्रोग्राम को, जिसमें राजयोग मेडिटेशन मेन चीज़ थी, 50% हो गई, नॉर्मल 60% होती है, ये 100% ब्लॉक खुल गया। ये देखिए, कंट्रोल ग्रुप में क्या हुआ, जिन्होंने राजयोग मेडिटेशन नहीं किया था उनके सारे ब्लॉक्स बढ़ गए। अभी हमने क्या पाया है कि हर ब्लॉक के पीछे आपका सोचने का ढंग है, जब तक आप सोचने का ढंग नहीं बदलेंगे, डाइट जीरो ऑल डाइट खाने से ब्लॉक नहीं खुलेगा, रोज एक्सरसाइज करने से ब्लॉक भी नहीं खुलेगा, जब तक आप मन का सोचने का ढंग नहीं बदलेंगे तब तक आपका ब्लॉक नहीं खुल सकता। हर जो थॉट पैटर्न है आपका, जो बचपन से आपने डाल लिया, जल्दीबाजी करना, चिंता करना, गुस्सा करना, थोड़ी थोड़ी बात फील कर लेना, अपनी मन की बातें शेयर ना कर पाना, सेंसिटिव नेचर, इमोशनल नेचर, ये जो नेचर है इसके कारण से आपके ब्लॉक होते हैं। और जब तक आप नहीं चेंज करेंगे वो ब्लॉक बढ़ते जाएंगे, ठीक है, जब चेंज करेंगे तो ब्लॉक निकल जाएंगे। तो हम मेडिटेशन के द्वारा पर्सनैलिटी को चेंज करते हैं, राजयोग मेडिटेशन, और देखिए ब्लॉक बढ़ गया। एक और दिखाता हूँ आपको मैं, देखिए ये 100% ब्लॉक है, ये आर्टरी यहाँ पर देखिए कट ऑफ है यहाँ पर, और जब उसने फॉलो किया देखिए ये ब्लॉक खुल गया, पूरी की पूरी आर्टरी खुल गई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इससे जो है राजयोग मेडिटेशन से आपकी साइकोलॉजी भी चेंज हो जाती है, टाइप ए बिहेवियर नॉर्मल टाइप भी बन जाता है, एंजाइटी खत्म हो जाती है, डिप्रेशन खत्म हो जाता है, एंगर खत्म, एंगर किसी को कहो ना गुस्सा नहीं करो आज से तो गुस्सा बंद होता है कि बढ़ जाता है? क्योंकि गुस्सा क्या है, गुस्सा लैक ऑफ पीस एंड लव है, गुस्सा क्या है, लैक ऑफ पीस एंड लव। देखो ये काम विकार क्या है, ये ज्ञान और पवित्रता की कमी है। व्हाट इज डार्कनेस, लैक ऑफ लाइट, ठीक है, ऐसे आपके अंदर ज्ञान नहीं होता, ABCD नहीं होता, पवित्रता नहीं होती तो आपके अंदर काम विकार आता है, आपके अंदर शांति और प्यार नहीं है तो गुस्सा आता है, आपके अंदर सुख अत्यंत सुख की अनुभूति नहीं तो आप लालच करते हैं, लोभ करते हैं, नाम मान शान का या पैसे का, उसमें सुख ढूंढते हैं, और जब आपके अंदर आनंद नहीं है तो आप अटैचमेंट ढूंढते हैं ना, देह और देह की दुनिया में फंसते हैं, और जिसके पास आनंद है वो देह और देह की दुनिया के पार परमात्मा के प्यार में खोया रहता है ना, वो किसी से उसको देह और देह से अटैचमेंट फील नहीं होती। और जिसके पास शक्तियाँ हैं, आठों शक्तियाँ हैं, वो ईगो फ्री होता है, ठीक है। तो सात एनर्जी की एब्सेंस ही ये पशु की नेचर हमारे अंदर आ जाती है, और उसके फिर बाल बच्चे कितने, 10 ये 100 आगे कितने हो गए, 110, 5 इनके माता पिता है, ठीक है। तो देखो आप क्या परेशान होता है आज इंसान, इसलिए ये है डिफिकल्ट टाइम इसकी वजह से है, और तब एशिया लगना शुरू होता है, नहीं तो एशिया इंसान होकर भी एशिया लगा नहीं पा रहे हम। एशिया कब लगा पाएंगे, जब KP² लो हाई ब्लड प्रेशर होगा आपके पास, KPP LHBP होगा, तो नहीं तो नहीं लगेगा, राइट। तो इंसान होके भी हमारी शक्ल कैसी है, सूरत कैसी है इंसान की, और सीरत कैसी है, मैं बोलूँगा नहीं, आप सब समझ लेना, हाँ।
राइट, तो ये वाली बात है, समझ में आया पीस इन डिफिकल्ट टाइम कैसे आएगी? यस और नहीं? चलो मैं आपको एक ईजी दिखा देता हूँ लास्ट में, ये देखिए, ये देखिए, ये ईजी है। पेशेंट जब हमारे पास पहली बार आए तो अल्फा, ये बीटा रिदम थी, मेन बीटा रिदम थी, अल्फा रिदम थोड़ी सी थी, थीटा, इसको बोलते शांति की रिदम, इसको बोलते प्यार की रिदम, इसको बोलते आनंद की रिदम। देखो 7 दिन के बाद ही क्या हुआ, अल्फा रिदम बढ़ गई, शांति बढ़ गई, सिर्फ 7 दिन के बाद विद आईज ओपन। बीटा रिदम कम हो गई, थीटा बढ़ गई, मतलब प्यार की रिदम बढ़ गई, एक्सेप्ट करने की रिदम बढ़ गई, ये ब्रेन में आप सेंस कर सकते हैं, और इवन खुशी और आनंद की रिदम बढ़ गई। और राजयोग मेडिटेशन में ये क्वालिटी है, सिर्फ राजयोग मेडिटेशन में, आप TM करेंगे, आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन करेंगे, विपासना करेंगे, जब तक आप करेंगे आपकी EEG चेंज होगी, जैसे ही आप छोड़ेंगे वापस क्या हो जाएगा, वापस इट विल कम टू बीटा रिदम। क्योंकि राजयोग, व्हाट इज राजयोग मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम आउटर सेल्फ टू इनर सेल्फ। मैं देह हूँ, मैं रोल हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, उसकी बजाय मैं माँ हूँ, बाप, उसकी बजाय मैं आत्मा। डॉक्टर मेरा रोल है, कैप्टन मेरा रोल है, कि तुम, मैं आत्मा, राइट? ये फीलिंग जब आपके अंदर आएगी ना तो क्या होगा, ये सदा बनी रहती है। अब मेरा नाम बदल गया, मेरा नाम पहले क्या था, सतीश गुप्ता, प्रोफेशन डॉक्टर था, अभी क्या बन गया, मैं आत्मा, आत्मा मेरा नाम है, शरीर का नाम क्या है, सतीश गुप्ता, और डॉक्टर प्रोफेशन, समझ रहे हैं? तो इस तरह से अभी मेरे अंदर ये चेंज हो गया, अब 24 घंटा मेरे अंदर कैसी कैसी भी रिदम रहेगी, अल्फा रिदम रहेगी, थीटा रहेगी, डेल्टा रहेगी। तो इस तरह से आप अपने अंदर परिवर्तन करेंगे। और ये एक और दिखा आपको, लाल तार हरी तार भी दिखा देता हूँ, वो भी उन्होंने टेस्ट की थी, देख रहे हैं आप, अल्फा रिदम बढ़ती गई, बीटा कम होती गई, थीटा और डेल्टा, एक साल के बाद डेल्टा बढ़ गई, डेल्टा मतलब नींद में, गहरी नींद में इतनी रिदम, आप इतना आनंद में, आप जागे हुए तो भी लगता है सोए हुए हो, थकावट नहीं होगी आपको, है ना, देह से रिटैच रहोगे तभी आप सारे काम कर सकोगे, ओके? और देखिए ये आपकी है लाल तार हरी तार। जब पेशेंट हमारे पास आए थे पहले दिन तो लाल तार बहुत एक्टिव थी, जो लाल तार बताई ना आपको मैंने, और हरी तार, इसमें हरा पेन नहीं था, हरे तार, हरे रंग से बना था पैरासिम्पेथिक, ये बिल्कुल कम था, 7वें दिन कितना फर्क पड़ा, और 1 साल के बाद पूरी हार्मनी हो गई। तो ये फायदा होगा आपको, ओके? ओम शांति। तो ये है पीस इन डिफिकल्ट टाइम्स, है आप सारे काम करते करते पीसफुल रह सकते हैं, पीस से भी आगे जा सकते हैं, प्यार और खुशी और आनंद में रह सकते हैं, शक्तिशाली बन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति।